सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान ने आईसीसी विश्व कप 2019 की जिस तरह से शुरुआत की थी उससे लगा नहीं था कि यह टीम कुछ खास कर पाएगी, लेकिन अपने दूसरे मैच में ही इस टीम ने विजय पथ पर वापसी की और बताया कि प्रदर्शन में सुधार किसी भी वक्त किया जा सकता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में खराब शुरुआत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर पटरी पर लौटती दिख रही है। साथ ही एक सहयोग भी पाकिस्तान के साथ है, जिसके मुताबिक अगर टीम का प्रदर्शन इसी रास्ते पर आगे बढ़ा तो वो वर्ल्ड कप पर कब्जा कर सकती है। क्या है सहयोग? पाकिस्तान ने अभी तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसमें एक अभ्यास मैच भी शामिल है। अभ्यास मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पहले मैच में वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दूसरे मैच में जीत मिली और तीसरा बेनतीजा रहा। अब संयोग ये है कि पाकिस्तान ने 1992 वर्ल्ड में खिताबी जीत हासिल की थी और उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के शुरू के 4 मैचों का यही नतीजा रहा था, जिसमें अभ्यास मैच भी शामिल है। ऐसे में अगर ये संयोग आगे भी जारी रहा तो पाकिस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वर्ल्ड कप 2019 में अभी तक का पाकिस्तान का सफर, पाकिस्तान के भी 3 मैचों में 3 ही अंक है। 10 टीमों के पॉइंट टेबल में श्रीलंका बेहतर रन रेट के कारण तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। अभ्यास मैच में अफगानिस्तान से मिली हार। इससे पहले अभ्यास मैच में अफगानिस्तान ने अपनी मजबूत गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को 47.5 ओवरों में 262 रनों पर ढेर कर दिया था और फिर हसमतुल्ला शाहिदी की नाबाद 74 रनों की पारी के दम पर 49.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। पहले में हार और दूसरे में शानदार जीत। पहले मैच में पाकिस्तान टीम को वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि दूसरे मैच में 1992 की विजेता टीम ने इस विश्व कप की सबसे मजबूत दावेदार और मेजबान टीम इंग्लैंड को मात देकर सभी को हैरान कर दिया था। इस मैच में पाकिस्तान ने 348 रन बोर्ड पर टांगे थे और 14 रनों से जीत हासिल की थी। तीसरा मैच बारिश में धुला। भारी बारिश के कारण काउंटी ग्राउंड पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला आईसीसी विश्व कप 2019 का मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों के खाते में 1-1 अंक आया। वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।